चार हमारे पास बी ने दी गई है टू पॉइंट थ्री थ्री बाई फोर फोर पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट सिक्स ए वो रहा है उनके अंश अंश मतलब कि जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाला मतलब कि है कि सॉरी ठीक नीचे वाला होता है हर हर मतलब कि डिनोमिनेटर ये बोल कि इन सब के जो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वो फाइव जोड़ दिया जाता है ठीक है फाइव जोड़ दिया जाता है ठीक है ध्यान रखिए यहाँ पे फाइव जोड़ने के लिए बोला है ना कि मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे तब तो फ्रैक्शन जो वो सेम ही रहता है फाइव जोड़ना है तो निम्नलिखित में से किस एक न्यूनतम परिवर्तन आएगा आ, मतलब कि किस में जो वो मिनिमम तो अच्छा इसके बारे में कि कैसे जो इसको सोल्व करना है? है जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है उसमें जो वो सबसे कम चेंज आएगा तो आ, सीधी जैसी बात है कि हमने जो वो चेक करना है कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है देखिए टू अपॉइंट थ्री को चेक करते हैं टू अपॉइंट थ्री को जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है और थ्री अपॉन फोर को जैसे करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव मतलब को करेंगे तो ए आ जाएगा जीरो पॉइंट एट और फाइव अपॉइंट सिक्स को करेंगे तो आ जाएगा जीरो मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी लास्ट वाला फ्रैक्शन है आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं फाइव पॉइंट सिक्स जो है वो इन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है अब इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो फाइव फाइव प्लस करना है इसमें जो वो सबसे कम चेंज आएगा जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे कम चेंज आएगा देखिए अगर आपने जो वो एक दो बार ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं तो आपको जो वो एकदम से आ जाएगा कि हमने जो वो सिर्फ इतना चेक करना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है एकदम से जो वो टिक करना है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखने में तो कठिन लगते हैं लेकिन जब इसको हैं तो करने जब लगते हैं तो जो वो ये आसान ही होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है uh, इसमें बोला है कि अ डिजिट एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री देखिए ऐसा कठिन टफ क्वेश्चन है लेकिन ठीक ये, ये है. Uh, है, है, है मतलब कि तीन से बड़ा है ठीक है तीन से बड़ा है और डिविजिबल भी है थ्री से मतलब कि तीन से डिवाइड भी हो जाता है भाग भी हो जाता है बट नॉट डिविजिबल बाई सिक्स पर ये वो रहा की सिक्स से डिविजिबल नहीं होता है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिवीजिबल बाई फोर ये वो रहे कि इनमें से कौन सा जो वो फोर से डिविजिबल है हिंदी में देखिए एक अंक ए, एक अंक है जो कि से ती सॉरी तीन से बड़ा है तीन से भाज्य है मतलब मतलब कि भाग हो जाता है पूरा, पूरा 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 भाग होने का मतलब है कि उसका जो भी रिमाइंडर है उसका जो विशेष फल है वो जीरो आ जाना चाहिए ठीक है लेकिन सिक्स से भाज्य नहीं है मतलब सिक्स से जो डिवाइड नहीं होता है तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो वो एक फोर से भाज्य है तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमने जो वो चेक करना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि तीन से तो बड़ा है ठीक है तीन से बड़ा होना चाहिए हमारे पास जो नंबर है और तीन से जो वो डिविजिबल भी हो जाना चाहिए ठीक है लेकिन सिक्स से डिविजिबल ना ठीक है देखिए अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो है नाइन आप नाइन को ध्यान से देखेंगे तो नाइन थ्री से बड़ा है और नाइन जो वो थ्री से डिविजिबल भी हो जाता है थी, थी, थी जा आ जाएगा ठीक है और ए जो वो नाइन जो वो सिक्स से डिविजिबल नहीं होता है चेक करना है तो ये चेक कर सकते हैं अब से जाएगा जाएगा और थी, थी, थी जा आ, टू आ, जा जा आ टू जो वो एक फ्रैक्शन है जो कि डिविजिबल नहीं होता है मतलब की डेसिमल में आ जाएगा जब आप इसको जो डिवाइड करेंगे ठीक है मतलब कि नाइन जो वो ऐसा नंबर है जो थ्री से बड़ा है थ्री uh, सॉरी uh, uh, हाँ, से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास वो नंबर कौन सा है, जो वो पास है वो मिल गया। uh, तो चलिए नाइन को जो वो सब करते हैं कि कौन सा नंबर जो वो इसमें से बनेगा जो कि फोर से डिविजिबल हो जाएगा ठीक है सबसे पहले देखिए टू एन टू एन का मतलब है टू मल्टीपल क्योंकि nine हमने पुट करना है, एटीन फोर से डिविजिबल नहीं होता है गलत है थ्री एन देखिए थ्री एन का मतलब है, 3 मतलब ये भी गलत बात है नेक्स्ट देखिए टू एन प्लस फोर टू एन प्लस फोर एन की जगह क्या बनना है uh, क्या फिल करना है नाइन फिल करना है नाइन टू जाटीन और एटीन और फोर कितना होता है एटीन और फोर होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू भी फोर से डिविजिबल नहीं होता है तीन तो हमने चेक कर लिया मतलब कि लास्ट वाला हमारा आंसर होगा चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ट्वेंटी प्लस प्लस एट ट्वेंटी फोर से डिविजिबल हो जाता है किससे डिविजिबल होगा सेवन फोर जा सेवन फोर जा होता है ट्वेंटी ऐसा नंबर है जो कि फोर से डिविजिबल हो जाता है हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे